इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देती हूँ मैं ताकि हमें इजी रहेगा देखने में कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप किस में कन्वर्ट हुआ हेक्सेन वन ओल मतलब सिक्स कार्बन एटम की चेन है ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स हेक्सेन वन ओल मतलब वन पोजीशन पे ओ एच ग्रुप अटैच है यहाँ पे आ जाएगा सी एच टू एच एच कार्बन की वैलेंसी आप कंप्लीट कर लो एच राइट right, अब यहाँ से कन्वर्जन क्या हुआ है हेगेनल मिला है हमें मतलब जो फंक्शनल ग्रुप हालोजिन था वहाँ पे हमें एल डी ग्रुप हुआ है ठीक है हेगेनल वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये एक बार चेक कर लेती हूँ मैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स कभी ज़्यादा ना कर दिया बस यही देखना था ठीक है अब यहाँ पे हुआ है हेगे नल मतलब सी एच ओ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स राइट ठीक है तो ये कन्वर्जन हुआ है ये कन्वर्जन किसकी प्रेजेंस में हुआ है रिएजेंट कौन सा यूज किया है हमने वो चेक करने है ठीक है तो जैसा कि हम देख रहे हैं कौन सा फंक्शनल ग्रुप किस में कन्वर्ट हुआ है यहाँ पे जो हमारा एल्कोहल था एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप किस में कन्वर्ट हुआ है एल्डिहाइड में मतलब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि हुआ क्या है यहाँ पे एल्कोहल कन्वर्ट हुआ है एल्डिहाइड में ठीक है एल्कोहल का जो भी फंक्शनल ग्रुप है वो अगर कार्बोनाइल ग्रुप में कन्वर्ट होता है कार्बोनाइल ग्रुप्स, कार्बोनाइल ग्रुप्स का मतलब है मेरे पास एल्डिहाइड, कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर ठीक है इस तरह से एसिड एलडी हाइट असाइल हेलाइड ये सारे तो अगर अल्कोहल का कन्वर्जन इन सब में होता है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड तो वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हेल्प से होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों क्योंकि पे हुआ क्या है एल्कोहल जब कार्बोनाइल ग्रुप्स में कन्वर्ट होता है मतलब एल्डिहाइड कीटोन तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है इसका मतलब एल्कोहल का क्या हुआ है वहां पे ऑक्सीडेशन हुआ है तो ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हेल्प से होगा और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं हमारे पास के एम एन ओ फोर तो क्या है एक स्ट्रोंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रोंोंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि क्या करता है एल्कोहल से डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये बीच में एल्डिहाइड या फिर किटोन्स नहीं मिलते हैं हमें मिलता है लेकिन रिएक्शन वहाँ पे स्टॉप नहीं होती डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रोडक्ट मिलता है और भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं हमारे पास पी सी सी पैराडेनियम क्लोरोक्रोमेट जिसका स्ट्रक्चर होता है जिसका फॉर्मूला होता है हमारे पास सी फाइव एच फाइव एन एच पॉजिटिव सी आर ओ थ्री सी एल नेगेटिव ये होता है पायराइडीनियम क्लोरो क्रोमेट ठीक है तो ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो, जो किस में हेल्प करता है एल्कोहल्स को किसमें कन्वर्ट करता है एल्डिहाइड की टोन्स में राइट right. एक दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्रोमिक ऑक्साइड सी वो थ्री भी ऑक्सीडेशन में काम आता है तो अब हम देखते हैं कि ये कन्वर्जन कौन कौन से थे हमें किसको किस में कन्वर्ट करना था तो जैसा कि हम देख रहे हैं फर्स्ट कन्वर्जन में क्या करना था हमें हैगजेन वन ओल को किस में कन्वर्ट करना था हेक्जेनल में तो यहाँ पे एल्कोहल जो फंक्शनल ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हुआ है एल्डिहाइड में तो ये किसका काम होता है कौन सा रिएजेंट काम कन्वर्ट करता है ये वाला पी सी सी पैराइडीनियम क्लोरोक्रोमेट जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है एल्कोहल किस में कन्वर्ट हुआ है एल्डिहाइड में तो फर्स्ट कन्वर्जन जो है वो किसकी हेल्प से हो जाएगा पी सी सी राइट सेकेंड कन्वर्जन की अगर हम बात करें देखिए यहाँ पे सेकंड कन्वर्जन किस में साइक्लोजे नोल टू साइक्लो स्ट्रक्चर बना रही हूँ मैं सेकंड कन्वर्जन जो है वो है हमारे पास साइक्लोहेगे एक साइक्लिक रिंग है उसके ऊपर हेगे मतलब एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है किस में कन्वर्ट हुआ है साइक्लो में राइट मतलब किटोनिक ग्रुप में कन्वर्ट हुआ है तो ये किसकी हेल्प से होता है ये भी किस में चेंज हुआ है ये देखिए ये भी फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे एल्कोहल था एल्कोहल से किस में कन्वर्ट हुआ है ये कीटोन में तो ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में की, हेल्प से, से होगा तो पायराडीनम क्लोरोक्रोमेट जो है वो एक मतलब इतना ज्यादा स्ट्रोंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता तो हम यहाँ पे एल से हमें कीटोन लेना है तो हम यहाँ पे कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे एनहाइड्रस सी आर ओ थ्री एनहाइड्रस सी आर ओ थ्री मतलब क्रोमिक ऑक्साइड क्रोमिक ऑक्साइड तो उसकी हेल्प से ये कन्वर्जन हो जाएगा हमारा हेगेनोल टू हेक्जेन वन ऑन हेक्जेन थर्ड कन्वर्जन था पैराफ्लोरोटोलवीन टू इसका आगे वाला जो पार्ट है वो इस क्वेश्चन में गिवन है देखिए पैराफ्लोरोटोलवीन टू ये है यहाँ पे पैरा फ्लोरो बेंजलडी ठीक है तो देखिए कैसे होगा पैरा फ्लोरो बेंजल इस वाले कन्वर्जन के लिए रिएक्शन लिख रही हूं मैं कि कैसे प्रोसीड होगा क्या रिएक्टेंट है पैराफ्लोरो टोलवीन तो टोलवीन के लिए बेंजिन के साथ कौन सा ग्रुप जुड़ता है सीएस थ्री और पैरा पोजिशन पे क्या जुड़ा हुआ है फ्लोरो तो इसका कन्वर्जन करना है हमने फाइनल प्रोडक्ट क्या बनाना है फाइनल प्रोडक्ट जो बनना है वो बनना है पैराफ्लोरोजलडीहाइड मतलब ये जो सी एस थ्री है इसकी जगह पे बेंजलडीहाइड ग्रुप तो देखिए सबसे पहले मैं इसका मोनो क्लोरीनेशन अगर कराऊं तो किसकी कौन सा रिएजेंट की हेल्प लेनी पड़ेगी सी एल टू इन प्रेजेंस ऑफ फोटोकेमिकल कंडीशन ठीक है तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कौन करेगा सीएल तो यहाँ पे सी एल सब्स्टिट्यूट करेगा एक हाइड्रोजन को तो मेरे पास प्रोडक्ट बनेगा सी एस टू सी एल यहाँ पे क्या आएगा फ्लोरीन आगे फर्दर सेकेंड स्टेप में अगर मैं इसकी रिएक्शन थायोनाइल क्लोराइड से कराऊँ SOCl2 सी एल टू तो यहाँ पे क्या होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन ठीक है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन से क्या बनेगा हमारे यहाँ पे एसओ सी एल टू यहाँ न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा सी एल सी एल रिप्लेस न्यूक्लियोफिलिक फॉर लिक सब्सटीट्यूशन टू के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे थानाइल क्लोराइड तो मेरे पास यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा सी एच टू ओ एच इधर एफ ठीक है अब यहाँ पे क्या है देखो ये क्या आ गया हमारे पास एल्कोहल आ गया अब लेना क्या है हमें कौन सा ग्रुप लाना है एल्डिहाइड तो एल्कोहल से एल्डिहाइड के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा तो यहाँ पे मैं अगर पी लेती हूँ पैराडीनियम क्लोरोक्रोमेट तो जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, की तरह काम करता है एल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देगा एल में राइट तो यहाँ पे हमें कौन सा ग्रुप मिल जाएगा सी ठीक है यही कन्वर्जन में पूछा गया था पैरा फ्लोरोलोरोहाइड तो इसमें रेजेंट्स कौन से यूज होंगे ठीक है नेक्स्ट कन्वर्जन है हमारे पास या फिर यहाँ पे हम डायरेक्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज कर सकते थे ये तो जै, जैसे मैंने अलग अलग स्टेप्स में बताई रिएक्शन अगर इसको हमने एक ही स्टेप में करना था अगर कन्वर्ट सी एस थ्री एफ तो हमें पता है कि करना होना क्या है यहाँ पे ऑक्सीडेशन होना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से होगा ऑक्सीडेशन तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने यहाँ पे लिया क्रोमिक ऑक्साइड अगर जो कि एक स्ट्रोंग ऑक्सीडाइजिंग होता है पी सी सी से ठीक है सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है के एम एन ओ फोर पोटेशियम पर जो कि एल डी हाइड से सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है बट यहाँ पे हमें एल्डिहाइड चाहिए था तो पी सी सी एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एज कम्पेरिजन टू तो सी आर ओ थ्री तो यहाँ पे मुझे कौन सा फंक्शनल ग्रुप मिल जाएगा सी एच ओ और यही हमें कन्वर्जन में चाहिए था कि पैराफ्लोरो बेंजलडी कर... प्रोडक्ट मिलना था हमें ठीक है नेक्स्ट में क्या पूछा गया है देखिए नेक्स्ट कन्वर्जन जो है आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन में एक बार देख लेते हैं फोर्थ नंबर में क्या पूछा है इथेन नाइट्राइल टू इथेनल देखिए मैं यहीं पे ही सोल कर देती हूँ इसको इथेन नाइट्राइल फोर्थ कन्वर्जन क्या है इथेन नाइट्राइल तो इथेन नाइट्राइल का फॉर्मूला मैं लिख रही हूँ C H 3 C N ये हो गया हमारा इथेन नाइट्राइल क्योंकि दो कार्बन ग्रुप होने हैं नाइट्राइल के लिए C N ठीक है इसको कन्वर्ट किसमें करना है इथेनल म सी एच ओ तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पे जो साइनाइड ग्रुप है साइनाइड का क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है साइनाइड का रिडक्शन हो के हमें क्या मिल रहा है सी एच ओ तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट जो डाइबल हम लेंगे डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में होती है ये रिएक्शन डाइबल डाइबल की फुल फॉर्म क्या होती है डाई आइसोब्यूटाइल ल्यूमिनियम हाइड्राइड एल्यूमिनियम हाइड्राइड ठीक है तो साइनाइड ग्रुप किस में कन्वर्ट हुआ एल डी हाइड में मतलब साइनाइड का रिडक्शन हो के हमें क्या मिल गया एलडी हाइड नेक्स्ट फिफ्थ कन्वर्जन में हमें क्या करे एलाइल एल्कोहल में कन्वर्ट होना है प्रोपेनल में देखिए नेक्स्ट फिफ्थ एलाइल एल्कोहल फिफ्थ कन्वर्जन में हम बात कर रहे हैं एलाइल एल्कोहल किसमें कन्वर्ट हो रहा है प्रोपीनल में। तो का बना देती मैं। एक होता है बॉन्डेड तो कार्बन है? Bond है अगर डबल बॉन्ड से जो बॉन्डेड दोनों कार्बन है इस कार्बन के साथ अगर एक और कार्बन अटैच है और वहां पे फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो उसको हम कहते हैं अलाइलिक ग्रुप और अगर डबल बॉन्ड के जस्ट साथ में अगर हमें फंक्शनल ग्रुप अटैच होता तो ये होता विनाइलिक ठीक है डबल बॉन्ड के साथ अगर एक कार्बन और अटैच है और वहां पे फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो ये होता है अलाइलिक राइट बट हमें यहाँ पे कौन सा यूज करना था अलाइलिक अल्कोहल से क्या कन्वर्ट होना था हमें प्रोपेनल मिलना था तो प्रोपेनल में ऑब्वियसली तीन कार्बन वन टू थ्री प्रोपेनल मतलब एल्डिहाइडिक ग्रुप ठीक है तो यहाँ पे क्या है एल्कोहल से किस में कन्वर्ट हो रहा है एल्डिहाइड मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम क्या ले लेंगे पायराडिनम क्लोरोक्रोमेट ठीक है सिक्स कन्वर्जन में क्या है हमें देखिए एक बार क्वेश्चन में देख लेते हैं सिक्स कन्वर्जन में क्या पूछा गया है सिक्स कन्वर्जन में हमसे पूछा गया है ब्यूट टू इन टू इथेनल ब्यूट टू इन टू इथेनल देखिए ब्यूट टू इन का फॉर्मूला मैं लिख रही हूँ यहाँ पे लिख दिया मैंने ब्यूट टू इन वैलेंसी आप कंप्लीट कर लीजिएगा कार्बन की सी एस थ्री इधर एच इधर एच ब्यूट टू इन से इथेनल तो देखिए इसकी रिएक्शन अगर मैं ओ थ्री से कराती हूँ ओ थ्री फिर हाइड्रोलिस जिंक डस्ट की प्रेजेंस में तो जैसा कि हमें पता है अगर हम एल्कीन की रिएक्शन O3 से कराते हैं ठीक है तो मुझे एक इंटरमीडिएट कंपाउंड मिलता है जिसकी स्ट्रक्चर इस तरह से होती है O3 के साथ रिएक्शन इसकी हुई तो ठीक है अब इसका जब मैं हाइड्रोलिसिस कराऊंगी तो हाइड्रोलिसिस के ड्यूरिंग बॉन्ड ब्रेक होगा वो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो मुझे एक कंपाउंड इस तरफ से मिल गया और दूसरा कंपाउंड इस तरफ से मिल गया इधर से मुझे कौन सा कंपाउंड मिला सी एस थ्री सी एच ओ प्लस इधर साइड से भी मुझे कौन सा कंपाउंड मिला सी एस थ्री सी एच ओ राइट तो ये दोनों कम्पाउंड्स कौन से मिल गए हमें इथेनल इथेनल के मोल्स मिल गए हैं यही कन्वर्जन में पूछा गया था कि ब्यूट टू इन किस में कन्वर्ट होना था इथेनल में तो कौन से रि यूज किया हमने ओजोनोलिसिस किया ओके गाइज थैंक यू क्लास से ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा हो सकता आज डाउनलोड करें डाउट नेटअप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर